देखिए इसमें सबसे पहली बात यह है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो समझ लीजिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि आप अपने लिबास से अपने और से अपनी पर्सनैलिटी से कुछ मैसेज दे रहे होते हैं और जब किसी से आप मिलने जाते हैं तो इससे पहले कि आप मुँह से एक लफ्स भी बोलें आप अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं अब वो क्या चीज़ है जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन आपने सुना होगा तो वेदर यू गो फॉर ए पर्सनल मीटिंग या बिजनेस मीटिंग है या इवन फॉर दैट मैटर आप यू नो यू गौ टू वेडिंग वरवर जो भी ओकेजन है तो इससे पहले कि आप अपने मुंह से कुछ बोलें आप क्या क्या बताते हैं सबसे पहली चीज़ जो अपने लिबास से ये बताते हैं कि आप किस सोशो इकनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं अब इसका मतलब क्या है उसका मतलब यह है कि आप, आ, आप हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं एफल सेगमेंट से बिलोंग करते हैं आप मिडल से बिलोंग करते हैं लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं लोअर लोअर से बिलोंग करते हैं या कि आप बिल्कुल पोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं सिर्फ़ आपका लिबास आपका और आपकी पर्सनलिटी ये बता रही होती है अच्छा अब इसमें इम्पोर्टेंट बात नहीं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं क्योंकि आप कहीं से भी बिलोंग कर सकते हैं मोस्टली पाकिस्तान जो है वो हम कहीं से भी बिलोंग करें या हम कुछ भी लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये भी आती है बिलोंग का इतना ज्यादा नहीं आता लोग ये नहीं देखते कि मतलब क्या चीज़ सूट करें अच्छा यही है ना कि अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो वेल ग्रूमिंग जो है ना सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अच्छा दूसरी बात जो आपको बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि आप कितने कामयाब हैं अपने लिबास से अपने और से गेंद विदाउट से वर्ल्ड अच्छा अब सोचिए तो कि अगर एक बंदा मैन की बात कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं लगता बहुत सक्सेसफुल है लगता नहीं तो इसका मतलब फिर क्या लगता है फिर नाकाम लगता है तो एक बंदा नाकाम लगता है तो हाउ फॉर इज कॉ फिर अब तीसरी बात जो आपने अपने इमेज से अपने गेम पर्सनैलिटी से वार्डो से बता रहे होते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अब आप देखिए कि एक बंदा अगर कॉन्फिडेंट नहीं लगता तो हुआ ना डू बिजनेस विद एम हु हायर एम हुआ नाम यू नो इवन मैरू हेम Exactly. तो ये तीसरा है और चौथा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं देखे ना कोई exactly, भी बंदा किसी बात सारे मैसेजेस हैं जो हम देना चाहते हैं अपने लिबास से या दे रहे हैं तो हमने देखना ये है यू नो हु वॉन्ट्स टू लर्न दिस कि उसे देखना है कि वो क्या मैसेजेस दे रहा है तो ये सारे मैसेज आगे डिपेंड करता है कि अब क्या है किस में, में आपने कौन से आ, देने बिल्कुल मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि जो आ, आपका अटायर होता है वो बहुत काउंटेबल होता है।, है अगर आप बिजनेस कम्युनिटी में बैठे हुए हैं तो भी आपका अटायर काउंट होता है अगर आप कोई इवेंट को अटेंड कर रहे हैं उसमें भी आपका अटायर काउंट होता है, होता है।, होता है।, होता है। तो बात खातन या जेंट्स जो होते हैं मेल्स जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि जैसा इवेंट होता है वैसा उनका अटायर नहीं, नहीं होता था। सही तो मेरे हिसाब से अगर खातन अपने आप को ग्रूम करती हैं जैसे मैं हूँ तो मैं चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड भी अपने आप को वैसा Absolutely. ही टॉप रखे जैसे मैं रखती हूँ तो इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप कुछ चीज़ें बताएं लोगों को ताकि इनको पता चले कि आपने किस जगह पर किस चीज को फॉलो अप करके चला अच्छा देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जो है इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग ठीक है अगर पावर डायनामिक्स है तो आपको पावरफुल लगना चाहिए अब पावरफुल आप ये तो नहीं कह सकते मैं पावरफुल ऐसे तो कोई नहीं मानेगा तो फिर इसका मतलब आपको पता नहीं चाहिए पावर टाई क्या है आपको पता नहीं चाहिए पावर जो है ड्रेस क्या है अब जो ब्लैक सूट है मोस्ट पावरफुल सूट आप इससे एग्री करेंगे

सूट जो है ना वो बेहतरीन सूट है अच्छा शर्ट में मैन के लिए मैं ये कहूंगा अगर आप अनलेस सिचुएशन इज़ वेरी यू नो काइंड ऑफ यू कुड लुक क्रिएटिव दिस दैट होल बेड

वो काम कर जाते हैं टाई से बचने के लिए बो लगा लेते हैं तो वो बड़ा अजीब सा एक इम्पैक्ट रहा है देखिए पहली सी बात है कि बो टाई के प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए बो टाई जो है ना बेसिकली इससे ब्लैक टाई के साथ जो है ना इसका कॉम्बिनेशन है यानी आपने टक्सीरो पहना हुआ है आप देखती हैं ना ऑस्कर के इवेंट्स देखती हैं पार्टीज देखती हैं तो आप अगर बो टाई पहनती हैं कैजुअल आउटफिट के साथ तो आप ऐसे लगेंगे कार्टूनिस्ट से लगेंगे अच्छा अब एक और मेरा सवाल जो मुझे भी दिमाग में आपसे बात करते हुए लोगों की होती है जैसे खुवान में बात थोड़े से आप फैट होते हो, से आपकी शेप होती है तो नीचे से या ऊपर से आप बल्कि हो तो नीचे से, रही, रही, से, आप, हो, तो नीचे से आप स्लिम होते तो इस तरीके से मेन्स के साथ भी होता है साथ भी है आप क्या सजेस्ट उनकी तो अब ये इसमें सारा बैलेंस करना है अगर आपके शोल्डर जो है स्मॉल हैं ऊपर और हिप्स बड़ी हैं तो लाजमी बात है अगर आप उस शेप को फॉलो करेंगे तो आप पेयर हैं तो पेयर शेप ही लगेंगे ना तो अगर आप हेपल शेप हैं तो हैप्पल शेप लगेंगे तो उसको हमने बैलेंस करना था बैलेंस का मतलब है, अब देखें हम शोल्डर को बड़ा तो नहीं कर सकते स्ट्रेच तो नहीं कर सकते तो उसमें यह एक स्ट्रक्चर्ड गारमेंट जो है ना जिसमें शोल्डर थोड़े से ब्रॉड करेंगे थोड़ी सी पैडिंग डालेंगे तो देन दैट्स हाउ वी गेट द बैलेंस तो यही ट्रिक जो है मैन के लिए तो मैन अगर सपोज जो है ना दे कम हैवी मैन में तो एक और इशू भी है ना कि अब टमी है तो टमी का क्या करना है हाँ ये बात भी सही हाँ, है, अगर, है? <laughs> टमी का क्या करें टमी का क्या करना वो कहते हैं ना स्लिम फिट हूँ मैं तो स्लिम फिट पहनूंगा सर मैं तो इतना यू नो लाइक पेट यहाँ पे है अब बताइए कि स्लिम फिट पहनी हुई है तो अगर टाइट शर्ट पहनी हुई है तो, अपने आपको तो, कम भी करें ना? तो मीटिंग, मीटिंग हो रही है तो ऐसा लगता है, you know, तो, <laughs> है। तो इसमें इस अब इसका मतलब लेकिन टेलर हतरात क्या करते हैं ना तो कोई बंदा जाता है मेरी टमी ज्यादा है तो यहाँ पे देखिए कवर कर दें तो वो क्या करते हैं यहाँ कवर करते हैं तो यहाँ भी बड़ा कर देते हैं टेंट बना देते हैं बंदे को तो अब देखें ना उसकी शेप तो है ना बेचारे की उसके शोल्डर स्ट्रॉन्ग है उसकी चेस्ट स्ट्रॉन्ग है तो अब क्या कर लिया उसको जनाब बिल्कुल टेंट बना दिया तो देट सॉल्व यू नो ए वेरी वेरी यू नो यू नो आई वुड से नॉट एन अपीलिंग लुक कि बेचारे की सारा जो आपने शेप ही ख़राब कर दी तो जो हम करते हैं मैं जो करता हूँ वो ये है कि हम यू नो हम मास्टर टेलर है मेरे पास uh, मौजूद और एस्थेटिकली हम उसको बेस्ट शेप देते हैं जो कि होनी चाहिए उसकी जो उन सूट कर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आ, ये तो हमने हामिद साहब से आज इतनी बात की और हम अपकमिंग उसमें भी इन चाहते हैं कि हम कुछ लोगों को लाके फिजिकली आप लोगों को दिखा सकें कि किस तरह से हम लेकर चल सकते हैं अपने आप को किस तरीके से मेनटेन करके और ये जो चीज़ हम पे सूट करे उसको हम कैसे कैरी कर सकते हैं तो इनशाला हमारे अपकमिंग नेक्स्ट उसमें हम आपको ये चीज़ के बारे में जरूर बताएंगे थैंक यू Thank you very much. Allah bless.